आप देखें, खदीजा गाड़ी के अंदर बैठी है, उसको पकड़ा हुआ आज तक नहीं छोड़ रहे। गाड़ी के ऊपर खड़ी अंदलीब अब्बास नारे लगा के लोगों को जमा कर रही है। वो तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान को इस्तेकाम दे रही है। फवाद चौधरी माफ हो गया, सदाकत अब्बासी माफ हो गया, उस्मान डार माफ हो गया, फरोख हबीब माफ हो गया, जो डालों के सामने खड़े होकर के। तो ये एक दोहरा मयार और सिर्फ तहरीक इंसाफ को तोड़ने की वजह से ये चीजें की जा रही है। हम आपको जेल में रखेंगे, तहरीक इंसाफ को छोड़ो, इमरान खान के कुछ वोट कम कर दो, हम आपको माफ कर देते। तो फिर लोगों को लगता है ये ढकोसला, ये झूठ है। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरहान विर्क, डॉक्टर फरहान विर्क, सबका पीटीआई सोशल मीडिया वॉलंटियर एक्टिविस्ट थे, आजकल तहरीक पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ ये शामिल हैं, उनके स्पोक पर्सन हैं, ट्विटर के ऊपर आप इन्हें देखते रहते हैं। आज के इस वीलॉग में हमने डिस्कशन करनी है 9 मई के हवाले से, एक टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, उस टॉपिक के ऊपर हम आर्गूमेंट देंगे, बात करेंगे। 3-3 मिनट का डिवाइडेड टाइम होगा, उस पर फरहान भाई बात करेंगे, 3 मिनट तक अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि 9 मई कैसे हुआ, किसने करवाया, इसके क्या नुकसान हैं। उसके बाद फिर मैं अपने 3 मिनट में उसके हवाले से बात करूंगा, मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने रखूंगा। बहरहाल सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले, फरहान भाई के पास जाने से पहले, 9 मई की शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करना चाहूंगा। इससे पहले कि मेरी मुरम्मत हो तो बेहतर है कि मैं इसकी मजम्मत कर दूं। और अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का एक पहला वाकया था जिसमें फौजी तनसीबात के ऊपर हमले किए गए। बहरहाल ये एक और बहस है, इस बहस के अंदर हम जाएंगे किसने किए, कैसे किए, कौन कसूरवार है इसके अंदर। लेकिन ये जो भी हुआ इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत गलत हुआ, पाकिस्तान का पाकिस्तान की साख को इससे बहुत नुकसान पहुंचा। वेलकम फरहान भाई एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल? जी बहुत शुक्रिया। तो मेरे यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं जी, और वही टॉपिक मेरे यहाँ से सबको क्लियर हो ही गया है, तो आप वो स्टार्ट करें और फिर जी बिल्कुल आप आए, आपको वेलकम। आप इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो ट्विटर पे आप करते हैं, आपकी पोस्टें लोग पढ़ते हैं वहाँ पे मोस्टली, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, आप कैसे देखते हैं 9 मई के वाकयात को? अच्छा ठीक है, मैं इस पे फिर टाइमर स्टार्ट करने लगा। 3-2-1 अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 9 मई का जो वाकया है इसको हमें थोड़ा सा माजी में जाकर देखना पड़ेगा कि हम मानते हैं कि जी मुस्लिम लीग नवाज की जब हुकूमत गई तो तब मुस्लिम लीग नवाज ने आर्मी के ऊपर काफी तनकीद की, उनकी तरफ से भी फौजी क्यादत को इस तरीके से वो तंजो मजाक का निशाना बनाया गया, उनके लीडर ने भी बयान दिए, और यही जो एक पैटर्न है पाकिस्तान की सियासत में हमें चलता नजर आ रहा है। हमें इससे पहले देखें तो हमें पीपल्स पार्टी दौर में भी इसकी मिसालें मिलती हैं, फिर पीएमएलएन दौर में भी ये हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ जिसकी मैं हिमायत करता था कम अज कम इस जमात से मुझे इस एक्सट्रीम पर जाने की तवक्को नहीं थी। हमारे इधर 9 मई के वाकयात को बहुत ज्यादा डाउन प्ले किया जाता है, यहाँ पर कहा जाता है कि जी सिर्फ एक इमारत जला दी तो क्या हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक इमारत जलाने का वाकया नहीं है। पाकिस्तान में 34 हसास तरीन तनसीबात को निशाना बनाया गया जिसमें कोर कमांडर हाउस, पीएफ, एयर बेसिस और जगह जगह जो है उधर आगे लगाई गई और हमले किए गए। मेरा इसके ऊपर मौकफ ये है कि जिस तरह से हमने देखा कि शाम में सिविल वार हुई, जिस तरीके से इराक में सिविल वार हुई, तहरीक इंसाफ ने सिर्फ अपने लीडर को कैद से जाने से बचाने के लिए ये जो सारा इकदाम किया है इससे पूरे पाकिस्तान में हाना जंगी की लहर फूट सकती थी। इनकी जो कोशिश थी उसके ऊपर आप तो बड़े बड़े लोगों के बयान भी आ चुके हैं कि प्रॉपर आर्मी में साजिश करवाई गई थी और बगावत करवाने की कोशिश थी, इसके ऊपर जो निगरान वजीर आजम है उनका बयान भी आ चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अपनी सिर्फ सियासत के लिए और अपने एक सियासी मुफाद के लिए इस किस्म का जो एक भयानक इकदाम था ये नहीं उठाना चाहिए था। और बात सादा सी है कि मेरा चूंकि बसीयत तहरीक इंसाफ का कारकुन बहुत ज्यादा टाइम गुजरा है, मैं ये भी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ में वर्करों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको गलत डायरेक्शन पे लगाया जाता है। और सिर्फ 9 मई नहीं, अगर आप 9 मई की हिस्ट्री में देखें आपको 14 मार्च का दिन भी नजर आएगा जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पुलिस वाले गिरफ्तार करने आते हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ 18 से 20 साल के बच्चे आगे कर देते हैं, वो बच्चे सही रात चल करते रहते हैं, वो जेल जाने से बच जाते हैं, लेकिन वो जो बच्चे हैं उनके वो फिर गाने लगाते हैं कि जी इश्क गुल्ले नचांदा याद नचना पै जाता, कि मतलब उन बच्चों का बेचारे 18 से 20 साल के बच्चों क्या कसूर है। और इसी तरह अगर हम ये 9 मई के वाकयात देखें तो उनमें भी हमें नजर आते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुबह के वक्त तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आप सब ने निकल जाए, और मीडिया में पहले ही एक दो हफ्ते पहले से ही बात बहस चल रही थी कि इनको अरेस्ट किया जाएगा। तो जैसे इनको अरेस्ट किया गया वो सारे मुजाहरे वहां पर होना शुरू हुए, इनकी क्यादत वहां पर मौजूद थी, एहसान नियाजी मौजूद था, आली हमजा मौजूद थी, उनके तो मतलब इश्तियाल दिलाने के प्रॉपर जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी मीडिया के ऊपर आ चुके हैं। तो इस तरह के इकदाम करके इन्होंने सिर्फ एक शख्स को जेल जाने से बचाने के लिए 17 से ज्यादा बच्चों की जो जाने हैं वो गई,
और उनको बताया गया कि जी हमें जेल में डालेंगे तो जहर दे दिया जाएगा और हमें कत्ल कर दिया जाएगा और आपको 3.5 साल 3.5 महीने से जेल में है। और जो अलीमा खान का वकील है उसका आज बयान आया कि वो बड़े सेहतमंद हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा, और ये जो लोग सुलभ पाइजिंग का इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत है। तो ये जी मेरे 3 मिनट कंप्लीट हो गए, मेरा मुद्दा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें फरहान भाई, 9 मई की जो मजम्मत है, सानहा 9 मई इसको कहा जाता है कानून की जबान में। आप अदालत में जाके सानहा तारीख बता करके नहीं बताते, वाकियात बताते हैं, सानहा बताते हैं, हादसा बताते हैं। तो सानहा 9 मई ये कोई बात ही ना हुई, ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। उस वक्त उस दिन जो हुआ वो वाकियात बताएं, ये सानहा 9 मई कह करके, सानहा बोल करके अवाम को ब्लैकमेल ना किया जाए। अवाम के ऊपर बगावत और दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। उस वक्त जो लोग वहाँ पे मुश्तैल हजूम था वो जाके इमारतों के अंदर दाखिल हुआ, जो उन्होंने जुर्म किए उनके जो जुर्म उन्होंने किए हैं उन जुर्मों की सजा उनको दी जाए, कानून के अंदर उनकी सजा क्या बनती है वो सजा उनको दी जाए। देखें उस वक्त सबसे मेन चीज जो आती है वंडलिज्म था, आर्सम था और ट्रेसपासिंग थी, 3 चीजें हुई हैं। इसमें वंडलिज्म जो है वो तोड़फोड़ है, ठीक है, आर्सम जो है वो आग लगाना है, ठीक है, ट्रेसपासिंग जो है वो हसास इदारों को हसास जगहों पे ममनू इलाके के अंदर दाखिल होना है। क्या आपको इस वक्त बयानिया जो दिया जा रहा है 9 मई के हवाले से इसमें कोई ऐसी चीज नजर आती है जो लोग वहां पे शामिल थे उनके पास अगर उन्होंने हसास और ममनू इलाके के अंदर दाखिल हुए हैं तो उनके ऊपर वो वाली दफा लगा करके उनको सजा दी जाए? अगर उन्होंने आर्सन किया है, आग लगाई है, आग लगाने की अपनी प्रॉपर्टी अपने मुल्क के अंदर अपने शहरियों ने अगर कोई भी ऐसी हकूमती या सरकारी इमारत को आग लगाई उसके ऊपर वो दफा लगा करके उसको सजा दी जाए, उसके बाद तोड़ फोड़ के उसको सजा दी जाए। दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात जो हैं इससे ये जाहिर होता है कि रियासत इस वक्त अपनी ही अवाम के सामने खड़ी है, इस तरह जैसे ये बांग्लादेश से आए थे, जैसे ये भूटान से आए थे और आकर के इन्होंने हमला कर दिया और उनके ऊपर दहशतगर्दी और बगावत की। बगावत की भी बहरहाल एक और डेफिनेशन होती है कि हालत जंग के अंदर अगर आप बंदूक फेंक देते हैं या हुक्म के खिलाफ आप बंदूक को उठा लेते हैं तो वो एक बगावत के मुकदमात होते हैं। बहरहाल अवाम के साथ इसका दूसरा पहलू ये है कि अपनी ही फौज के सामने अपनी ही अवाम को क्यों खड़ा किया गया? हमारी फौज का जो डॉक्ट्रिन फौज ने पढ़ी होती है, वार डॉक्ट्रिन होती है, फौज ने पढ़ी होती है एनिमी डॉक्ट्रिन, तो फौज के सामने हमेशा अगर कोई खड़ा होगा तो वो दुश्मन खड़ा होगा, उसकी अपनी अवाम, उसकी अपने शहरी नहीं खड़े होंगे। ये काम था पुलिस का, पुलिस ने इसको डील करना था। पुलिस उस वक्त कहाँ थी जब मुश्ताहिल लोगों ने जाकर के ये सारी वारदातें की, ये सारी चीजें की? आपने अपने आर्ग्यूमेंट, मुझे नहीं पता, मेरे पास स्टॉप वॉच नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं टाइम रोक दूंगा अपना। आपने बात की इमरान खान के हवाले से, इमरान खान पे 9 मई से पहले फायरिंग हो चुकी थी, इमरान खान पे 150 पर्चे 9 मई से पहले हो चुके थे। इमरान खान जब अपने घर में बैठे हुए थे, रैलियां कर रहे थे, उस वक्त इमरान खान ने लोगों को क्यों नहीं कहा कि जाकर के ये हमले करो? उसी दिन ये सारी चीजें क्यों हुई जिस वक्त इमरान खान रियासत की तहवील के अंदर थे? इमरान खान को पकड़ा हुआ है रियासत ने, ना उनका बाहर कॉन्टेक्ट है किसी के साथ, ना उनका बाहर किसी से राबता है, तो फिर इमरान खान इस चीज का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? जो लोग बाहर जत्थों और रैलियों की सूरत में लोगों को हैंडल कर रहे थे, लोगों को लेके जा रहे थे, वो लोग तो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पाकिस्तान को इस्तेकाम दे रहे हैं। जी ठीक, अच्छा ब्रदर, मैं आपके वो सारे पॉइंट्स जो उनसे नोट भी किए हैं और मैं उनको बारी बारी क्लेरिफाई भी करता जाऊंगा। नंबर एक तो आपने ये बोला कि जी वो वैंडलिज्म हो गया या इस तरह से उन्होंने आग जलाई। मैं इस पे आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि वैंडलिज्म तब होता है जब कोई एक मकाम हो या दो मकामात हो, लेकिन यहाँ पर 34 हसास तरीन तनसीबात के ऊपर बाकायदा प्लानिंग के साथ हमले किए गए। एक दो जगहों पर हमला हो जाए तो मैं ठीक है, मैं आपका लॉजिक समझने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन जब इतने मैसिव स्केल पर ये कार्रवाई होती है तो इसको अगर आप वैंडलिज्म कहेंगे तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा नाइंसाफी होगी इस पूरे वाक्य के साथ। दूसरी आपने बात ये की कि ये जो लोग हैं इनको ऊपर दहशतगर्दी और बगावत की दफात क्यों लगाई जा रही है। मैं अभी पिछले दिनों भी आपकी तस्वीरें देख रहा था, आप शायद किसी मगरबी मुल्क में थे, अमेरिका या जिधर भी, अमेरिका में आपको पता है कि 6 जनवरी को जब उन लोगों ने कांग्रेस के अंदर मार्च किया डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर, तो वहां पर उन्होंने कोई वहां पर ऐसा इतने मैसिव स्केल पर तोड़फोड़ नहीं की जिस तरह से हमें पाकिस्तान में नजर आई, लेकिन वहां पर जो लोग 6 जनवरी के फसादात में मुलव्वज़ थे वहां उनमें से एक शख्स वो था जिसने वो मास्क पहना था, आपने शायद देखा होगा, उसको शामन मास्क कहते हैं, उसके सीन थे बड़े बड़े, उस शख्स को उन्होंने 10 से 12 साल की कैद सुना दी है। एक वो शख्स था जो कि वहां पर एक अमेरिका की वो नैन्सी पेलोसी है, वो सेनेट की सेक्रेटरी है, उनकी कुर्सी के ऊपर बैठकर उसने सिगरेट सुलगाई
और उस बंदे को उन्होंने 22 साल कैद की जो उनकी सजा है वो सुनाई है। तो अमेरिका में जब इस तरह के इकदाम के ऊपर इतनी सारी सजाएं होती हैं तो हमारे लोग फिर यही कहते हैं कि जी अमेरिका में बड़ा जी कानून पर अमल हो रहा है, रूल ऑफ लॉ है, लेकिन पाकिस्तान में ये सब हो तो फिर आप कहते हैं कि जी ये दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमे क्यों है। तो क्या मगरबी ममालिक जो उनसे हैं वो इन सारी चीजों से मर रहे हैं? उसके बाद तीसरी आपने बात की और मैं इस चीज से मुतफिक भी हूं कि पाकिस्तानी फौज के ऊपर सिर्फ मुल्क के दुश्मन हमला कर सकते हैं। आप इस वाक्य को ठीक है अगर आप एक बिल्डिंग्स वाले अंसर को आप एक साइड पे भी करें तो हमें लाहौर में वो मंजर भी नजर आता है जहां पर पाक फौज की गाड़ियां गुजर रही हैं और उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के वर्कर पत्थर भी फेंक रहे हैं, उनके ऊपर लकड़ियां भी फेंक रहे हैं और फौजियों के सरों पर लकड़ियां मार रहे हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए मैं आपको वो वीडियो भेज देता हूँ। तो सोचने की बात यह है कि क्यों इन लोगों के जहनों में इस कदर नफरत प्लांट की गई, इसकी बुनियादी वजह क्या थी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सिर्फ गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सब क्यों करना पड़ा? इस पर मैं आपको एक और रीजनिंग भी देता हूं। आपने कहा कि 9 मई का जो वाकया है ये एक इंडिविजुअल वाकया है लेकिन मैं इसको इंडिविजुअल वाकया नहीं समझता। इसकी वजह क्या है कि 14 मार्च को भी जब पंजाब पुलिस इनको गिरफ्तार करने आई तब भी मैं जैसे पहले कोट कर चुका हूं 18 से 20 साल के बच्चों को इन्होंने आगे किया था और वो बच्चे सारी रात पंजाब पुलिस से लड़ते रहे, उनसे शेलिंग खाते रहे। तो जब 14 मार्च का वाकया हुआ तो उसके बाद फिर ये जो 9 मई का वाकया है ये भी उन्हीं वाकयात का हमें एक तसलसल नजर आता है। और उसके बाद आखिरी जो आपने बात की थी वो ये कि ये सारा वाकया उस दिन इमरान खान तो पहले गिरफ्तार हो गए तो क्यों हुआ? तो मेरे भाई प्री प्लानिंग भी कोई चीज होती है। आपको मुराद सईद का वॉइस नोट याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि साथियों आपने उन जगहों पर पहुंचना है जिनका हमने आपको बताया था। ये उनका व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस नोट था, ये लीक कॉल नहीं थी। तो वो जो जगह थी ये वही, ये जो लोग हैं ये गई उन्हीं एहसास नसी बात के ऊपर है, उसके अलावा कहीं गए नहीं। तो क्या इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है इसका? ओके देखिए, सबसे पहले आपने ये कहा कि प्लानिंग के तहत किया गया। अगर प्लानिंग के तहत किया गया तो फिर सबूत क्यों नहीं पेश किया जाता? आज तक आप सबूत अदालतों में क्या, अदालत तो सब जितने भी लोग गिरफ्तार हैं उनको तो रिलीफ दे चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा इमरान खान साहब ने बच्चों को इस्तेमाल किया। देखें आपको, अब आप कहें कि आए मेरे घर पे हमला कर रहे हैं, आप क्या आपके घर के सामने कोई बच्ची आके खड़ा होकर शैल बर्दाश्त करेंगे, डंडे बर्दाश्त करेंगे? नहीं, वो 22 साल की एक मेहनत थी, वो एक लीडर था, एक नैरेटिव था, एक नजरिया था, लोगों को पता था कि 70 साल इस फरसूदा निज़ाम से ये शख्स हमें बचा सकता है, ये एक आखिरी उम्मीद है हमें। लोग उस उम्मीद को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते थे, अपने लीडर के लिए अपनी जाने तक वो सामने पेश कर रहे थे। अपनी मर्जी से आए हुए लोग वॉलंटियर थे, तनख्वाहों पर रखे हुए लोग नहीं थे बंदूकें पकड़वा करके। दूसरी चीज़, 9 मई के वाकियात में सबके सब निहत्ते लोग थे, इमारतों में आगें लगाई गई, सीमेंट की बिल्डिंग में जाकर के आप मुझे, मैं आपको 30 मिनट देता हूं माचिस से उसे आग लगा कर दिखा दें, आप नहीं लगा सकते। जहाजों के ईंधन को जो आगें लगी गई उनके ऊपर, जहाजों का जो मटेरियल होता है उनको कैसे कोई माचिस के साथ हजूम आकर के आग लगा सकता है? ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ है। इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि जिस दिन इसकी शफाफ तहकीकात की गई ये चीजें सामने आएंगी। 9 मई वाले दिन पुलिस कहां थी? 9 मई वाले दिन सिक्योरिटी के इदारे कहां थे? कि वैसे तो ये 25 मई को लाखों के मुझे जो हजूम आ रहा होता है उसको शेल मार करके कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन 100-150 बंदा जाकर के कोर कमांडर हाउस में घुसता है तो उसे कैसे कंट्रोल नहीं किया जाता? तीसरी बात आपने की कैपिटल हिल्स के हवाले से, देखें मैं अमेरिका में रहता हूं, यहां पर कैपिटल हिल्स में जो वाकयात आपने दो बंदे गिनवाए जिनको सजा हुई, लेकिन हजारों लोग जिनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके सिर्फ माफी नामे पे छोड़ दिया गया, क्या आपकी रियासत के अंदर ऐसा कोई वाकया है मुझे दिखाने के लिए? 9 मई में जो खवातीन और बच्चे आए थे उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके वो माफी मांगे और अपना ये कहें कि हमसे गलती हुई उन्हें छोड़ा जाए? हाँ, अलबत्ता 9 मई से जान छुड़ाने का सिर्फ आसान तरीका पाकिस्तान में ये मौजूद है कि इल्जाम इमरान खान पे लगाओ और कहो कि उसने हमारे जहनों को प्रोग्राम किया और ये प्लान था, तब आपको माफी मिलेगी। सिर्फ माफी मांगने से तो मजिस्ट्रेट पाकिस्तान के अंदर माफ नहीं कर रहा। अमेरिका के अंदर सिविल वार हुई थी इब्राहिम लिंकन के दौर में, आप देखिए जिन लोगों ने रियासत पे हमले किए, बम बरसाए, टैंक चलाए, गोलियां चलाई, उनके तो आज अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर पुतले लगे हुए हैं। रियासत में अगर इकट्ठे होकर के चलना है तो अपने जाति जो उनके बने होते हैं मुखालफत जिसे कहते हैं उसके अंदर दो अगर जत्थों के बीच में या दो लोगों के बीच में नजरियाती तफरीक होती भी है तो रियासत उसको खत्म करके अपने बाशिंदों के बाद के साथ माँ जैसा सलूक करती है और उनको माफ करती है। अगर ये इतने बड़े हजूम के साथ आज जो कलेक्टिव रिवेंज लिया जा रहा है तो ये तो खुदा का काम है कि किसी हजूम को पकड़ के जहन्नम में डाल दे या ना डाले। आप कैसे इतने बड़े हजूम को ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये सब के सब जो हैं उनमें किसकी क्या गलती थी? ये आपने आके अदालत में क्लेरिफाई किया, कौन कितना कसूरवार था आपने अदालत को आके बताया, लोगों के सामने ये चीज रखी। कलेक्टिव सजाएं आप दे रहे हैं इस वक्त तमाम के तमाम लोगों को, तो मेरे ख्याल में ये चीज भी इंसाफ नहीं है। मुझे नहीं पता आपके स्टॉपवॉच में कितना टाइम हुआ है, आप कर लें। अच्छा
अब ब्रदर इसके ऊपर आपने जो सबसे पहले कैपिटल हिल की बात की, मैंने सिर्फ दो सजाएं कोट की हैं, सजाएं सैकड़ों लोगों को हुई हैं, वो अगर आप गूगल पर देखेंगे आपको मिल जाएंगी। मैंने ये दो जो आपके सामने मिसालें रखी हैं, ये मैंने इसलिए रखी हैं ताकि आपको पता चले कि किस कदर संगीन सजा की वो सजाएं देते रहे हैं, कि उनके लिए 10-20 साल की सजा देना कोई बात ही नहीं। ये कहने के साथ साथ मैं ये भी नहीं, मेरा दिल करता कि तहरीक इंसाफ वालों को कोई 3-3 साल या 5-5 साल या 10-10 साल की सजाएं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनके साथ टाइम भी गुजारा है, मैंने इनको देखा भी है, तो मेरी कम से कम दिली ख्वाहिश यही है कि इनको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए। लेकिन इसके साथ हमें एक ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि अगर हमें पाकिस्तान में अमेरिका या किसी भी मगरबी मुल्क के लेवल का रूल ऑफ लॉ चाहिए, तो उस रूल ऑफ लॉ के लिए हमें पाकिस्तान में एक ऐसी मिसाल कायम करनी पड़ेगी ताकि मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा करने की जरूरत ना करे। और ये जो एक 9 मई का वाकया है, लेट सपोज मैं इस पर कहता हूँ कि हम तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इस पर बख्श दिया जाता है और तहरीक इंसाफ की आजकल वेव भी चली है, कल को तहरीक इंसाफ हुकूमत भी बनाती है, तो मैं ये सुनने वालों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या फिर आपका कल दिल करेगा कि मुस्लिम लीग नून भी यही काम करे, कि उनके भी वर्कर इस तरह से जत्थे बनाकर उनका लीडर कल को गिरफ्तार हो और वो फौजी छावनियों पे हमले कर दे, परसों पीपल्स पार्टी वाले भी यही करें, उसे अगले दिन की जो दूसरी मजहबी तंजीमें हैं जमीयत उलमा इस्लाम है बाकी सारे हैं वो भी यही काम करें, वो भी आर्मी पर हमले करें, और फिर उसके बाद कहेंगे जी जिस तरह पीटीआई वालों को आपने 3-3 महीने बाद छोड़ दिया था, हमारे बंदे भी छोड़ दें और आप हमें भी हुकूमत बनाने का मौका दें, आप लोग हमारे लीडर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मेरे नजदीक तो ये कानून की एक बड़ी सीवियर वायलेशन थी। इसके ऊपर एक आर्गुमेंट जो कि अक्सर तहरीक इंसाफ के दोस्त पेश करते हैं, आपने अभी तक नहीं किया, वो ये है कि वो कहते हैं जी इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी थी इसलिए हमारे ये इकदाम जायज थे, मुझे ये भी सुनने में आता है। इसके ऊपर मेरा मौकफ ये है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी तो तब हुई जब इस वाकये के 10-15 दिन बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया था उस वक्त इमरान खान के ऊपर लाजिम था कि वो कानून के ऊपर अमल करते और अपनी गिरफ्तारी देते। और यहाँ पर एक चीज जो कि हम सारे लोग भूल जाते हैं वो ये कि 17 बच्चे अपनी जानों से गए क्योंकि उनको अहकाम जारी किए गए थे कि आप लोगों ने आगे जाकर टीम के ऊपर दाखिल हो जाने, और हमें पता है कि हर फौजी छावनी के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, वहां पर बड़े सख्त किस्म के अल्फाज में लिखा होता है कि इस जगह से आगे आप नहीं जा सकते। तो वो जो 17 बच्चों की जाने गई, वो जो गरीब वर्कर्स थे उनके ऊपर आजकल तहरीक इंसाफ भी नहीं बोलती, तो उन बेचारों के माओं का क्या कसूर था कि उन बच्चों की इस तरीके से जाने गई। और उसके ऊपर मेरा एक और आर्गूमेंट ये भी बनता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब जब 3 महीने आराम से जेल में गुजार चुके हैं, तो अगर उस दिन भी 2-3 दिन गिरफ्तारी दे देते, आराम से इनकी जमानत हो जाती, तो क्या मसला था। लेकिन वही बात, जहां तक आपने सबूतों की बात की, 9 मई के आलिया हमजा का बयान रिकॉर्ड है जिसमें वो कह रही है कि हम कैंट के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जियाद चौधरी साहब की कॉल मौजूद है अपने बेटे के साथ, उन्होंने डिनाई नहीं किया अभी तक, जिसमें वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो एक लाहौर के कारकुन थे उनकी कॉल रिकॉर्ड है कि जी आप लोगों ने आ जाने और डर्टी हैरी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और फिर ये सान न्याजी साहब की तो एक पहले वीडियो रिकॉर्ड है जिसमें कह रहे हैं कि हाफिज साहब हम मुल्क में ना हाजी बचेगा ना हाफिज बचेगा और खाना जंगी होगी और बाद में भी है। ठीक हो गया आपका टाइम, देखिये फरहान भाई आपने कहा सबूत, जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं ऑडियो लीक थी, वीडियो लीक थी, बयान थे, जज्बात में आकर के दिए गए बयान को स्लिप ऑफ टंग कहकर भी माफ किया जा सकता है, वो बयान बदला भी जा सकता है। वो ये अब 3 राउंड हो गए, अब ये कंक्लूड नहीं अभी आप कहते हैं, मेरा रहता है। जज्बात में आए कि किए गए बयान को आप देखते हैं टीवी के ऊपर दिया जाता है, दूसरे दिन आकर के माफी मांग ली जाती है, लेकिन उनको दहशतगर्दी की दफात और ये चीजें उनके ऊपर नहीं लगाई जाती। मैंने ये आर्गूमेंट इसलिए नहीं दिया था जो आपने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी गैर कानूनी थी और हमने ये रिएक्शन दिया, मैंने इसलिए ये आर्गूमेंट नहीं आपके सामने रखा क्योंकि मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ की क्यादत ने या तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने ये चीज की नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये प्री प्लान था, लेकिन ये प्री प्लान किसी और ताकतवर हलके की तरफ से था। जिस वक्त मुल्क के अंदर पुलिस को घरों में भेज दिया गया था, लोगों को आजादी दी गई थी, लोग वहां पे इश्तेहाल की सूरत में गए और फिर आगे आके किसी और ने लगा दी, ठीक है, बिल्डिंगों को किसी और ने आकर के जला दिया, इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, हैं उन लोगों को सामने आना चाहिए। देखें आपने ये भी देखा कोर्ट मार्शल की बातें हुई, कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, फलां को निकाल दिया गया है, इसके पीछे हमें सच्चाइयां अगर बताएं, शेख रशीद का इंटरव्यू करते हुए मुनीब ने उनसे सवाल पूछा था कि फौज के अंदर जो बातें हो रही थी, फौज के अंदर जिन लोगों ने इसके अंदर मुलव्वस थे, तो हमें आकर के बताएं खुल करके कि कौन लोग मुलव्वस थे और किस तरह हुए थे और क्या कोर्ट मार्शल की कहानियां थी। हम तो आज तक कंफ्यूज हैं इस मामले को लेकर के, अगर भाई मसला आपकी तरफ से हुआ है या सरकारी पे बैठे हुए लोग इसके अंदर मुलव्वस थे, वो ये चाहते थे कि ये चीज लोग करें, तो उनको हमारे सामने आकर के सजाएं दी जाएं, ना कि अवाम को, मुश्ताल अवाम को इसके ऊपर सजाएं दी जाएं, ठीक है। आपने दूसरी चीज कही, खान साहब को मैं इसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं समझता, मेरे नजदीक खान साहब
इस वक्त कस्टडी के अंदर थे, खान साहब ने ये चीज नहीं की, खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, उनकी हुकूमत होने के बावजूद खान साहब के ऊपर 150 पर्चे करवाए गए, उनका घर तोड़ा गया, उन खान साहब की पूरी जिंदगी में से। फरहान भाई मेरा चैलेंज है आपको, आप मुझे एक बयान दिखा दें जिसमें फौज के खिलाफ बात करते हैं। मैं आपको 20 बयान दिखा सकता हूं जिसमें वो कहते हैं कि फौज के ऊपर कभी तनकीद नहीं करनी, तगड़ी फौज हमारी जरूरत है। हाल बता इसके काउंटर में मैं आपके सामने रखूं तो नवाज शरीफ की बेटी के जलसों में जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी, वर्दी किसी जनरल का नाम नहीं, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं, वर्दी का नाम, यानी कि फौजियों के नाम लिए गए। इस्लामाबाद के अंदर खड़े होकर के कहा जाता है कि हम तुम्हारी चमड़ियां उधेड़ देंगे, हम तुम्हें बदमाशी करके दिखाएंगे। आप देखें इस तरह के बयानात जब हमें लोगों की तरफ से नजर आते हैं और फिर उन्हीं को हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किया जाता है, और एक ऐसा लीडर जो हमें आगे कहता है कि तगड़ी फौज की हमें जरूरत है, ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी, मैं उसको कैसे कसूरवार मान लूं? मैं उसको इस वक्त मजलूम समझता हूं कि पूरी की पूरी रियासतवर जितने भी ताकतवर हैं बदमस्त हाथी की तरह एक शख्स के ऊपर पड़े हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अवाम की बात करता है और अवाम के हकूक की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। रूल ऑफ लॉ जिस दिन इस मुल्क के अंदर आ गया, बदमस्त हाथी पकड़ा जाएगा और धकेल के बाहर निकाला जाएगा ईवान इक्तदार से, सिर्फ ये वजह है कि उसको फंसाने की उसके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। आज आप देख लें साइफर का केस आ गया, कादर यूनिवर्सिटी का केस था, तोशाखाना का केस था, कल ये साइफर वाला फ्लॉप होगा, ये नया केस कर देंगे, इमरान खान ने पकौते को जेल में चपेड़े मार दी खाने में नमक ज्यादा होने की वजह से, 6 महीने कोर्ट के अंदर ये प्रोसीड करते रहेंगे कि इमरान खान ने जेलर को मार दिया, पकौते इस तरह के तो फुलिश किस्म के केस कर रहे हैं उसके ऊपर। बलूचिस्तान में बंदा मरता है, इमरान खान का नाम इस्लामाबाद लाहौर में जमान पार्क बैठे हुए आ जाता है। तो तमाम सिनेरियो सिर्फ इमरान खान को खत्म करने के लिए हो रहा है, ये 9 मई इसी की एक कड़ी है जी, ये मैं ये समझता हूं। अब अच्छा ब्रदर, मैं आपने सबूतों की बात की, देखिए जब तहरीक इंसाफ की क्यादत की मिसालें हमारे पास मौजूद हों, आलिया हमजा की स्टेटमेंट हो, शहरयार रफीदी का बयान हो कि हम जी एच क्यू जरूर जाएंगे, एहसान नियाजी जो कि उनका भांजा है उसके स्टेटमेंट हो कि हम अंदर बढ़ गए हैं और हमने जी उनकी पतलून उतार दी है, मुराद शहीद का बयान हो जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने उन जगहों पर जाने जिनका आपको पहले से बता दिया गया है, तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं जो कि ऑडियो लीक्स हैं, ये वो चीजें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड हैं, इनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं। तो जब क्यादत उस टाइम एंडोर्स कर रही थी तो उसके बाद ये कहना कि सबूत नहीं, मेरे यहाँ से ये नाइंसाफी है। दूसरी बात ये कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी उससे अगले ही दिन कहा गया था कि आपने इसकी मजम्मत की करनी है, लेकिन उन्होंने 2 दिन इस वाक्य की मजम्मत नहीं की। तीसरी बात ये कि वो जेल में बंदा रहकर भी उन्होंने पहले ही उन्होंने सुबह के वक्त ही तकरीर में कह दिया था कि मुझे अगर आज गिरफ्तार किया गया तो आप लोगों ने बाहर निकलना है, इसलिए मैं ये चीज नहीं मानता कि ये चीज पहले से प्री प्लान नहीं थी। रही बात उनकी एफआईआर की, तो इनकी एफआईआर उनके अपने वज़ीर-ए-आला परवेज लाई ने नहीं काटी, और वो बंदा ओपनली क्लेम कर चुका है कि मैंने नहीं काटी, तो ये सवाल परवेज लाई से होना चाहिए, हमसे नहीं। और बस देखिए मैं ये समझता हूं कि अगर ये चीज जो भी हुई है इसमें तहरीक इंसाफ का मैं कसूर नहीं समझता, इमरान खान का कसूर नहीं समझता, हाँ अलबत्ता मैं ये जरूर मानता हूं कि ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है कि रियासत के इदारों के ऊपर जाकर के हमले करना। फिर उसके बाद मुल्क की अहम शख्सियात शेख रशीद जैसे लोग तहिया करते हैं, वादा करते हैं मैं इनको छुड़ाऊंगा, तो लोगों को कहीं ना कहीं हमदर्दी भी है, तो हमारी फौज अगर इन लोगों को माफ कर देती तो शायद पीटीआई का बयानिए को खुद ही नुकसान हो जाता कि देखें आपने हम पे हमले किए या आपने नजायज किया है, हमें अभी भी मेरी ये ख्वाहिश है इन लोगों को माफ कर दे। हाँ उन लोगों को जरूर पकड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सिर्फ इल्जाम इमरान खान पे लगा देते हैं। आप देखें खदीजा गाड़ी के अंदर बैठी है, उसको पकड़ा हुआ आज तक नहीं छोड़ रहे, गाड़ी के ऊपर खड़ी अंदलीब अब्बास नारे लगा के लोगों को जमा कर रही है, वो तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान को इस्तेकाम दे रही है। फवाद चौधरी माफ हो गया, सदाकत अब्बासी माफ हो गया, उस्मान डार माफ हो गया, फरूख हबीब माफ हो गया, जो डालों के सामने खड़े होकर के, तो ये एक दोहरा मयार और सिर्फ तहरीक इंसाफ को तोड़ने की वजह से ये चीजें की जा रही है। हम आपको जेल में रखेंगे, तहरीक इंसाफ को छोड़ो, इमरान खान के कुछ वोट कम कर दो, हम आपको माफ कर देते, तो फिर लोगों को लगता है ये ढकोसला है, ये झूठ है, ये सिर्फ और तो आप फिर आके लोगों के सामने बताएं, अगर सजा देनी है, अगर आपको मुजरिम लगते हैं, अगर आप इसको सानिया कहते हैं तो सानिया के अंदर मुलव्वस तमाम लोगों को पकड़ के सजा दें जी भाई। 23 मिनट का हो चुका है वीलॉग, हम सब ने अब 3-3 मिनट दोनों ने बांटे हैं और इसके ऊपर आर्गुमेंट भी हुए हैं, आपको दोबारा लेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी राय का इजहार करना है।